गाइज मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल पकवान। तो बहुत ही सिंपल ही है, वीडियो को मैं बहुत लेंदी नहीं करना चाहती, इसलिए देखिए मैंने दाल उबाल ली है चने की, लहसुन कट कर लिया है, एक प्याज लेंगे और टमाटर। तो दाल को तड़का देंगे, ये छोटे वाली चने की दाल है, अच्छे से बॉईल कर लेनी। और कुछ भी इसमें मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है। और मैंने ऐड किया है घी कढ़ाई में, अब जीरा ऐड करूँगी। यहाँ देखो सिंपल सी, जैसी दाल आप छोंकते हो वैसी छोंकनी है, जीरा राई सब ऐड करके। और अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और प्याज। जैसे भी आप तड़का लगाते हैं बस चने की दाल ले लीजिए। तो मैंने इस तरीके से ना दाल में स्लिट करके मिर्ची डाली है, आप बारीक भी डाल सकते हो। तो अब ऐड करें टमाटर, इसी के साथ ऐड करूँ सॉल्ट। मैंने दाल में कुछ भी ऐड नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट होगा। अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है दाल में, और रेड चिली पाउडर और बस। और इस तड़के को मैं दाल में ऐड करके थोड़ी देर बॉईल कर लूँगी। तो मैंने तड़का इसमें मिक्स कर दिया है, और अब इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे कि एकदम घुट जाए। देखिए दाल हो गई है रेडी, गर्मा गर्म स्टीम आ रही है। गाइस अब मैंने ना मैदा ले लिया है, जितने आपको लेनी है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, जैसे मट्ठी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा मोयन। तो अब है ना मोयन ऐड कर लिया मैंने, राइस ब्रैन ऑयल डाला है, स्मेल वाला ऑयल ना डाले, या तो घी डाले या तो रिफाइंड सोया ऑयल, ऑयल राइस ऑयल ऐसा कुछ, सनफ्लावर ऑयल ऐसा डाल लो, जो भी आप खाते हो कुकिंग ऑयल। और अब इसका टाइट सा आटा गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, मट्ठी का जैसा मैंने बोला, मट्ठी का जैसा होता है वैसा। मैंने पहले भी शेयर किए पर अभी एक डेढ़ साल हो गया यार दाल पकवान बनाए नहीं मैंने, तो अभी बनाए, रिद्धिमा को याद आ गई बनाओ बनाओ, तो मैंने कहा चलो चलो बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है क्योंकि कुरकुरा क्रिस्पी तभी बनेगा ये, तो बहुत लूज आटा नहीं लगाना है। तो देखिए आटा लग गया, इसको मैंने ढक के रख दी 10 मिनट के लिए। अब देखिए मैंने 20 मिनट छोड़ा 10 की बजाय, अब इसको वापस से अच्छे से स्मूथ हो गया एकदम, रेस्ट देने के बाद उसे गूंद लेंगे। अब इसकी ऑफ कोर्स छोटी छोटी लोई बनाएंगे, लेकिन मट्ठी जैसे नहीं थोड़ी सी बड़ी रोटी जैसे, और बिल्कुल पतला बेल लेंगे, इतना भी पतला नहीं, पापड़ जैसा भी नहीं, मीडियम मीडियम। इसे मैं ढक दूंगी ताकि ये सूखे ना, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे इसके लिए, और मैंने ऑयल गरम भी रख दिया है, आप चकले पे बेल सकते हो, बिल्कुल बारीक भी बेल सकते हो आप, लेकिन मुझसे बारीक बेलता भी नहीं है, मैं बहुत बारीक बेलती भी नहीं हूँ। मैं रोटी भी इसी तरीके से बेलती हूँ, बेलन उठा के, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे गोल बना लेते हैं, मुझसे नहीं होता है। आप छोटी बड़ी साइज जैसी आपकी इच्छा हो बना सकते हो, मैं बहुत बड़ा साइज नहीं बनाती हूँ, इतना ही बनाती हूँ बस। अब इसको प्रिक कर लेंगे ताकि ये फूले ना, टिक 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 टिक, और इसी तरीके से सारे बेल लेंगे। आप पहले भी बेल सकते हो फिर फ्राई कर सकते हो, मैं जैसे चार एक साथ रख लूंगी फिर फ्राई कर लूंगी, इनको फ्राई होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि एकदम क्रिस्पी होंगे। तो इस तरीके से ही आपको करना है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि चार बना लेती हूँ फिर फ्राई कर लेती हूँ फिर चार बना लेती हूँ, फिर रखो सूख जाते हैं।
लेकिन प्रिक सबको करना है। अब ऑयल हो गया है फ्राई और इसमें एक एक करके इसको फ्राई कर लेंगे। आप झर से कर सकते हो, मैं इस तरीके से, ताकि पलटने में आसानी होती है। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो। तेज पे करोगे तो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। बस इसी तरीके से पलट लेना है। इससे क्या, इजीली टोंग से पकड़ के आप पलट सकते हो, झर से पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने चार फ्राई कर लिए, आपको कहा ऐसे फ्राई कर लेने। आप साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, जितनी कढ़ाई हो आपके पास। बहुत बड़ी होती है तो फिर बहुत बड़ा साइज, बट इस तरीके से मैंने किए हैं। अभी आपको सर्विंग बताती हूँ इसकी। ठीक है, इस बारी आती है प्रेजेंटेशन की। तो देखिए, आप अलग अलग रख के प्रेजेंट मतलब कर सकते हो। जैसे एक तरफ दाल रख सकते हो, चटनी रख सकते हो, ये और सैलड। बट मैं थोड़ा अलग तरीके से करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही में करूँ तो बेटर होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरीके से रख के तोड़ भी सकती हूँ, पर अभी मैं तोड़ नहीं रही हूँ। और इसी के ऊपर मैं करती हूँ दाल को स्प्रेड, ताकि ईजी रही। यार देखो, बाइट लेके दाल में भी डुबो के ही खाना है। तो चटनी में अलग से करो, सैलड अलग से लो। मैं क्या करती हूँ ऐसे, और फिर इसी पे इमली की चटनी, ग्रीन चटनी भी आप ऐड कर सकते हो, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा प्याज टमाटर मिक्स और थोड़ा सा चाट मसाला। और बस रेडी हो गया दाल पकवान। आप अलग अलग भी परोस के खा सकते हैं, मैं इस तरीके से ही खाती हूँ। तो होप सो कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। देखिए, चाट से कम नहीं है, बहुत टेस्टी है, बनाना भी बहुत टफ नहीं है। होप सो कि आपको पसंद आई होगी।